नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे क्या हम फैट खाते हैं तो क्या हम मोटे हो जाते हैं, क्या हम फैट खाने से मोटे हो रहे हैं। काफ़ी लोगों में ये मानना है कि सिर्फ चिकनाई खा रहे हो तो मोटे हो रहे हैं, घी खा रहे हो तो मोटे हो रहे हैं, वो एकदम से अपने फलकों पे, अपनी रोटी पे घी लगाना बंद कर देते हैं, सब्जी उबाल के खाने लग जाते हैं, तेल के साथ में नहीं खाते। सवाल ये है कि क्या घी तेल खाने से तुम मोटे हो रहे हो, क्या चिकनाई खाने से तुम मोटे हो रहे हो, क्या फैट डाइटरी फैट जो डाइट में हमारे फैट आता है उससे तुम मोटे हो रहे हो। जैसे बादाम अखरोट है तो लोगों को लगता है इनमें तो बहुत फैट होता है, हम मोटे हो जाएंगे। तो जवाब है नहीं, उससे तुम मोटे नहीं हो रहे हो। अच्छा, उससे मोटे नहीं हो रहे तो कैसे मोटे हो रहे हैं? मोटे तो देखो, मोटे ऐसे हो रहे हो कि तुम पूरे दिन में जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, जितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हो, उससे ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा वजन बढ़ेगा, उससे कम खाओगे तो तुम्हारा वजन कम होगा। जो कि मैंने बताया था कि वजन बढ़ेगा कैलोरी सरप्लस में। कैलोरी सरप्लस क्या होता है, पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हो। अच्छा ठीक है, तो हमारा वजन नहीं बढ़े, अब मैं रोज रोज कैलोरी गिनना नहीं चाहती या गिनना नहीं चाहता, अब क्या करें? भूख से थोड़ा कम खाओ, मैं ये कहूँगा कि तो तुम्हारा वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर जो मोटे लोग होते हैं उनको भूख का पता ही नहीं चलता कब पेट भर गया। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि तुम जितना रेगुलर खा रहे हो, जितने को तुम्हारा वजन अभी जितना है उतना ही है, उससे थोड़ा कम खाओ, ध्यान रख करके थोड़ा सा कम खाओ तो तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा, और ऐसा होना चाहिए। पर जो मोटे लोग हैं जिनको भूखा महसूस नहीं होता, वो एक अलग केस है जिसके बारे में काफ़ी आगे आने वाली वीडियोज में हम बात करेंगे। अगर आप कैलोरी डिफिशिट में खाओगे, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे, मतलब जितनी ऊर्जा रोज की खर्च कर रहे हो उससे कम खाओगे और बहुत सारी फैट भी खा लोगे, तब भी आपका वजन कम ही होगा। तो ज़्यादा फैट अगर आप डेफिसिट में भी खाओगे तब भी आपका वजन कम ही होगा, चिकनाई से आप मोटे नहीं हो रहे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चिकनाई से मोटे नहीं हो रहे हैं तो हम चाहे जितना फैट खा लें, हम कैलोरी डिफिशिट में रहेंगे, हम मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाएंगे, जितनी ऊर्जा का खर्च कर उसे कम खाएंगे और हम चाहे जितना घी तेल खा लें। देखो, हर चीज़ एक लिमिट तक ही ठीक है। मैं ये कहूँगा कि घी तेल चिकनाई जो भी है, ये सब कोई भी चीज़ हो खाने की, वो ना बहुत कम ठीक है ना बहुत ज़्यादा ठीक है, बीच बीच की ठीक रहती है, ये मैं कहूँगा। पर इसके साथ में एक और बात है, खासकर कि घी तेल के साथ में एक और बात है कि अब मान लो आपने 50 ग्राम तेल लिया, उसमें 450 कैलोरीज होती है, वो 50 ग्राम तेल आपके पेट में मान लो इतनी सी जगह लेगा, आपको पेट भरा भरा महसूस ही नहीं होगा। 50 ग्राम तेल या 50 ग्राम घी ऐसे भी जाओ, आपको पेट भरा भरा महसूस ही नहीं होगा। वहीं आप यही 450 कैलोरीज जो इस 50 ग्राम तेल से आ रही थी, वही अगर आप मान लो पालक से निकालने की कोशिश करो तो लगभग आपको 2 किलो पालक खानी पड़ जाएगी, लगभग आपको उतनी ही कैलोरीज अपने अंदर डालने के लिए। अच्छा, तो 2 किलो पालक आपके पेट में कितनी सारी जगह लेगी, आप 2 किलो खा ही नहीं पाओगे, आप 200 300 400 ग्राम खाओगे तब तक आपका पेट एकदम भरा भरा महसूस होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चिकनाई के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है, घी तेल के साथ में बड़ी दिक्कत ये है कि ये हमारे पेट में जगह कम लेता है और इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो हमारा पेट हमें भरा भरा महसूस हो उससे पहले ही हम अंदर इतना डाल चुके होंगे कि वो पूरा कुल मिला करके काफ़ी सारी कैलोरीज हमारे अंदर चली गई होंगी और हमने पूरे दिन में जितनी कैलोरीज हम खर्च कर रहे हैं उससे हम ज़्यादा खा सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ जाएगी, इसके चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो ज़्यादा फ्राइड फूड होता है और ये सब तला फला होता है ना, इसमें क्या होता है कि अब जैसे आपके आलू है, ये फ्रेंच फ्राइज है, आलू तला हुआ है, और कई बार वो डीप फ्राइड होता है, 2 बार तला होता है, तो क्या है कि उसमें जो तेल चिपक जाता है ना, काफ़ी सारा तेल, तो आपको तो क्या पेट भरा भरा महसूस हो रहा है। अब इतना आलू खाओगे तो आपको पेट भरा भरा महसूस होगा, लेकिन उतने आलू के साथ में, आलू ने तो जितनी जगह ली ली, तेल बहुत सारा था जिसमें बहुत सारी कैलोरीज थी पर उसने जगह बहुत कम ली, तो उसमें क्या पूरा कुल मिला करके आप काफ़ी सारी कैलोरीज अंदर ले लोगे, ये मेन बड़ी दिक्कत है। इसलिए क्या है कि हमें थोड़ा ध्यान से खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ जितना भी आ रहा है फ्राइड खा लो, क्या वो पेट में जगह कम लेता है ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आप कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे, मतलब आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी खा लोगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एकदम से हमें बात पता चली है कि हम फैट खाने से मोटे नहीं हो रहे हैं तो हम एकदम से खाना चालू करते हैं, ये ठीक नहीं है। हमें
मॉडरेशन में खाना है, मतलब लिमिट में खाना है, ना बहुत ज़्यादा कम की ज़रूरत है ना बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। अब एक आम आदमी का जो जीने का अंदाज है, लाइफ स्टाइल है, उसमें क्या है, सब्जी फल का बनता है, सब्जी में तेल लगता है, फल के ऊपर घी चुपड़ा जाता है, फिर वो दाल होती है, दाल में दाल छमकी जाती है, उसमें तड़का लगाया जाता है, और दूध होता है, दूध में मलाई होती है, लोग मलाई खा लेते हैं ऐसे। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी सब्जी अगर बहुत ज़्यादा तेल में नहीं बन रही, जैसे कि होटलों में तेल में तैराई की सब्जी होती है, उतने ज़्यादा तेल में नहीं बन रही, नॉर्मल तेल में बना रहे हो ना, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फलका खा रहे हो, फलके के ऊपर घी चुपड़ा हुआ है, तो आप वैसे खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घी लगा हुआ है। तो दाल है, दाल में आप दाल छमक रहे हो, बघार दे रहे हो, उसमें तड़का लगा रहे हो, तो वो तेल का लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूध में मलाई, अब आपने 2 किलो दूध गर्म किया और उस पूरे 2 किलो दूध की मलाई आप अकेले खा गए, तो एक तरीके से आपने 2 किलो दूध की मलाई खा ली ना। वही आप 1 गिलास दूध की मलाई लेते हैं, तो 1 गिलास कितनी होती है, 350-350 ml की गिलास होती है नॉर्मल हमारी जो घरों में चलती है, तो आप समझ लो वो 2 किलो दूध था, उसकी 20% मलाई लेते, तो वो आपके दूध के प्रोपोर्शन में होती, दूध के बराबर मलाई निकलती, तो उतनी आप खाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरे दिन के जो नॉर्मल खाने का जो रूटीन है, इसमें आपको घी तेल के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये कि आप सिर्फ फैट खाने से मोटे नहीं हो रहे, आप ज़्यादा खाना खाने से मोटे हो रहे हो, ज़्यादा कैलोरीज खाने से मोटे हो रहे हो। अगर कोई जीमण है, कोई शादी ब्याह है, कोई खाने का फंक्शन है, तो ऐसे कोई जीमण वगैरह में, फंक्शन वगैरह में अगर आपको कभी कभार आपने खा लिया जिसमें चिकनाई ज़्यादा आ गई, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, और जब तक कि आप इस बात का ध्यान रखो कि हम भूख से हल्का कम खा रहे हैं, तब तक मेरे हिसाब से सब ठीक रहना चाहिए, अगर आपको भूख महसूस होती है सही से। तो ये समझाने के लिए कि लोग, बहुत लोगों के मन में वहम है कि चिकनाई में मोटा करे, चिकनाई में मोटा करे, घी तेल बिल्कुल बंद बिल्कुल बंद, तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। आपको चिकनाई मोटा नहीं कर रही है, आपको ज़्यादा चिकनाई खाना मोटा कर सकता है, या फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा खाना मोटा कर सकती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख दो मैं, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर पसंद है, तो मैं तुम्हारी ये वीडियो मिलूंगा।